हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी बिहार टीचर 1999 में जो प्रश्न आए थे उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मैं सरप्राइज़ हूं इस क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को देखकर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा सीधे। अब आखिरी समय में तो फैक्चुअल क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब देकर आगे बढ़ूंगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1993 का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, 1996 का भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। उन वीडियो के लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले मैं 3 सवाल आप लोगों से पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग इन सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही दे दोगे। पहला सवाल आपके लिए ये रहा, दिल्ली, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी अंग्रेजों ने कहाँ रखी थी, उसका जो है नीचे कमेंट करके जवाब देना। ये तो पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल आपके लिए यह है, पाकिस्तान के करेंट पीएम कौन है? जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम आपको बताना है। तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा, आपको बताना है श्रीलंका में अभी प्रधानमंत्री कौन है। करंट अफेयर्स के बहुत ही हॉट टॉपिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। तो नीचे कमेंट करके ये 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय है तो हम क्या हो जाते हैं? तो देखिए, भारत में एकल नागरिक जो नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हो, किसी और दूसरे कंट्री के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप दूसरे कंट्री के नागरिक हो तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके माता या पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो आप स्वतः जन्मजात जो है नागरिक बन जाते हो। कहाँ के? भारत के। आप भारत में रहना चाहते हो तो आप भारत के नागरिक बन जाते हो, जन्मजात आपको नागरिकता मिल जाएगी बाय बर्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो ये रहा, ये देखो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें, देखिए लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो रूल करने का तरीका है, जो फंक्शनिंग है उसकी क्या है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, भागीदारी नहीं होती है। देखो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तानाशाही वाली बात होगी नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात हो रही है। कोई संविधान, हमारे देश में संविधान भी लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों का संविधान लिखा था। सवाल मैं पूछूंगा, मेरी आदत है, जो भी समझो आप, संविधान को बनने में कुल कितना वक्त लगा था नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कितने जो तेजस्वी लोग हैं यहां पे, कितने होशियार लोग हैं जो बता सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत को, भारत का संविधान बनने में कितना वक्त लग गया था। तो नीचे कमेंट करके आप सारे लोग इसका जो है जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का A नंबर, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेट, ये देखो, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए बड़े शहरों में, बड़े नगरों में, यहीं से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था। आपके गांव में ग्राम पंचायत है जहां पे मुखिया सरपंच वगैरह का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड परिषद का चुनाव होता है, लेकिन बड़े शहरों में यही जो है ये क्या हो जाएगा, नगर पालिका बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? नगर पालिका। देखो मुंबई में भी नगर पालिका है, दिल्ली में भी नगर पालिका है, एंड सो ऑन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 का O1। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे क्या कहते हैं? देखिए मैं ना सचमुच में जानना चाहता हूँ, मैं अभी 50 सवाल कराऊंगा और अगले पाठ में 50 सवाल कराऊंगा। नीचे कमेंट करके आप लोग बताना ना कि इस 50 में कितने सही जवाब आप खुद से जानते थे। तो 50 में ईमानदारी से लिखना, क्योंकि कोई तो 50 में 50 भी बोल सकता है। तो नीचे कमेंट करके ना 50 में से आपके जितने भी सही जवाब हुए ईमानदारी से लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे क्या कहते हैं? देखिए पंचायत समिति के सारे प्रावधानों को जो है ये कौन काम करेगा? ये करेगा BDO। ये क्या करेगा? प्रखंड विकास अधिकारी BDO के नाम से ये मशहूर है, झारखंड बिहार दोनों में BDO के नाम से आप इसे समझ सकते हो। भारतीय संविधान के जनक कौन है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं भारतीय संविधान के जनक हैं, याद रखिएगा। अस्थाई समिति के जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, बनारस, देखिए बनारस के तो
जो संस्थापक थे जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय, और इनको BHU शॉर्ट फॉर्म में से BHU वो भी बोला जाता है, BHU के स्थापना के लिए जो है इनको एक इनक्रेडिबल जो कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के लिए, इसके लिए इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन वेट, ये तो था मदन मोहन मालवीय के लिए, लेकिन सर अय्यर अहमद खां जो हैं, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने जो है स्थापना करी थी अलीगढ़ मुस्लिम लीग की। तो 6 का जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह क्यों कौन थे। तो देखिए इसका जवाब मोहम्मद शाह नहीं है, फरक्सियर भी नहीं है, औरंगजेब भी नहीं है। इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर। लेकिन मैं टू बी प्रिसाइज कहूँ ना, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय इसका बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर सही होगा। तो 7 का आंसर क्या जाएगा, 2 के साथ जाएगा। चलिए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी के पति का नाम क्या था, बच्चे बच्चे को पता है, राजीव गांधी के पत्नी का नाम सोनिया गांधी, ठीक है। तो फिरोज गांधी किसके पति थे, तो इंदिरा गांधी के पति थे। तो कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी हो जाएगी, महात्मा गांधी की। किसकी पत्नी हो जाएगी, महात्मा गांधी की। कस्तूरबा विद्यालय भी आपके आसपास में होगा बिहार में, तो अभी हाल में ही जो है उनकी वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है, सिलेक्शन काउंसलिंग वगैरह हो रही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया, और अंग्रेज में कौन, तो भैया लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था, नवाब बंगाल के नवाब का नाम सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं लॉर्ड क्लाइव के बीच में कब लड़ा गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 1757, ऑप्शन है सी नंबर। 3 नंबर इसका सही जवाब है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में ये युद्ध लड़ा गया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, देखो इससे ईजी सवाल बच्चे बच्चे को पता है, 15 अगस्त 1947। अगर क्वेश्चन पूछ दे पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो वो एक दिन पहले ही आज़ाद हो गया था, 14 अगस्त को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और अपने पुत्रों को श्रीलंका में, चाइना में, और भी सिंगापुर वगैरह देशों में जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कौटिल्य ने रचना की थी। तो देखिए कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की, और इस अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया कि शासन कैसे करना है, राजकाज कैसे संभालना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको अजमेर में मिलेगी, और याद रखिएगा ये 1996 के क्वेश्चन में आया हुआ था। अगर जिन लोगों ने 1996 वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि 1996 में ये चीज़ें हो चुकी थी, क्वेश्चन रिपीट हो चुकी थी, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये सवाल भी शायद आया है बट आई एम नॉट श्योर। तो आंसर मैं बता दूँ, ख्वाजा बख्तियार काकी नहीं, शेख निजामुद्दीन औलिया, मुहिद्दीन चिश्ती। तो देखिए इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा 14 का 3, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए 14 का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो शाहजहां इसका सही जवाब होगा, शाहजहां ने अपने भाइयों को भी मरवाया था, बहुत तरह की बातें, खैर उस पर किसी और दिन। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो देखिए कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। हम लोगों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो याद रखिएगा भाग 3 में। किस में, भाग 3 में। और अनुच्छेद पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में आपको जो है इसका वर्णन मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, सही जवाब इसका 6 है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है,
तो देखिए, समानता का अधिकार वाली बात है नहीं, स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं, गुलाम बनाकर नहीं रखा जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, अगर आप 16 साल से कम के हो तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, 17 साल के भी हो तो भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, 18 साल के बाद आप जो है हर तरह के कारखाने में काम कर सकते हो, तो ये क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो आपको राज्यसभा के लिए 6 ईयर बताना है, कितना बताना है, 6 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, लोकसभा में 545 सदस्य चुने जाते हैं एज ऑफ नाउ, और 245 राज्यसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कौन है, बहुत ही इररिलीवेंट, ये उस समय का करंट अफेयर्स है, अभी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है नीचे कमेंट करके बताइएगा, आरजेडी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, लालटेन छाप की बात कर रहा हूं मैं। भारत के राष्ट्रपति की को जो है पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जी, समझ रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को पद की जो है गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में पहला स्थान है एज ऑफ नाउ, अभी हम लोगों की कुल जनसंख्या 142.86 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ दिया जाता है, जहां पे मार्केट डिसाइड करेगा कि कैसी नीतियां चलेगी और कैसी नीतियां नहीं चलेगी, कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए, इनमें से कोई भी जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है, बाजार जो है खुद से चीज़ों को जो है देख लेता है। तो 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा 4। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पे, तो देखिए ये है इसका जवाब, कृषि में। अदृश्य मतलब कुछ समय के लिए काम आपको मिलेगा, उसके बाद जो है काम करने का मौका आपके हाथ से चला जाता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 का 1। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो वर्तमान में अभी जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, ये करंट अफेयर्स का सवाल था, अभी भी पूछा जा सकता है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताना वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है, तो देखिए, गन्ना भी एक नकदी फसल है, जहाँ से आप इसे बेच करके जो है तुरंत पैसे कमा सकते हो, तो फिलहाल के लिए जो है अभी के लिए नकदी फसल कौन सा है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कपास, कपास बेचकर जो है ये नकदी फसल माना जाता है इसे। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के, देखिए एक्चुअली सीधा सीधा बात है कि हम लोग विदेश में जो है बहुत पैसा खर्च करके इस सामान को खरीदते हैं, उसका नाम बताना है, क्या हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट या फिर मशीन वगैरह खरीद कर, या फिर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक खरीद कर, या फिर पेट्रोलियम, तो इसका सही जवाब है पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा पैसा अभी भी हम लोग जो है पेट्रोलियम पे खर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है हम लोगों का, पेट्रोलियम पे, और ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बहुत सारा पैसा हम लोगों का यहाँ पे चला जा रहा है, जिस वजह से हम लोगों को जो डॉलर जमा करते हैं वो सारा पैसा पेट्रोल में चला जाता है, सारा तो नहीं बट मोस्ट ऑफ। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कैसे राष्ट्र के रूप में होती है, पिछड़े राष्ट्र के रूप में बिल्कुल नहीं, अर्धविकसित राज्य के रूप में बिल्कुल नहीं, विकसित नहीं, विकसित मतलब जो डेवलप हो गया, इसका एग्जाम्पल होगा जापान, अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया भी आप इसे बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत आगे बढ़ चुका है, न्यूजीलैंड आगे बढ़ चुका है, तो ये सब विकसित राष्ट्र हैं, जर्मनी, फ्रांस, लेकिन भारत हमारा क्या है, विकासशील है, हम लोग जो है विकसित बनने के कगार पर हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी तक भारत में बुलेट ट्रेन नहीं आई है, जबकि बुलेट ट्रेन चाइना या फिर जापान में बहुत पहले आ चुकी है। भारत बाहुल्य में आयात करता है, क्या आयात करता है, सबसे ज़्यादा LPG करता है, इन चार तीन जो चार ऑप्शन हैं उसमें। एक और बात याद रखिएगा, जो सेंधा नमक होता है जो फास्टिंग वगैरह में आप खाते हो, ये पाकिस्तान जो है बहुत सारे देशों को बेचता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है, शायद सवाल पूछ लिया जाए बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ था, डेट बताना है आपको, इस भी बताना है, तो देखिए
1983, 1986, 1995, 1997। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 1991 में भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी? नहीं पूछा जाएगा, अभी जो है 142.86 करोड़ हमारी जनसंख्या है, याद रख लीजिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? 1993 में सेम क्वेश्चन था, 1996 में सेम क्वेश्चन था, और ये 1999 में सेम प्रश्न पूछा गया है, समझ लो आप। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? नर्मदा। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो इसे जो है बनाया गया है कहाँ पे? ये तीसरा, नर्मदा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में, फिल्म में दिया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा, कर्नाटका में भी नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं आपको मिल जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? कोई भी नहीं है, अभी जो बाइडन है, अभी जो हैं उनका नाम है जो बाइडन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। कमला हैरिस, याद रखिएगा ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, कमला हैरिस भारतीय मूल की भी है, तो ये उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सवाल शायद आपके एग्जाम में आ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम किसी को नहीं पता? नीतीश कुमार इज द राइट आंसर। जॉर्ज फर्नांडिस कौन है? तो ये भी इररेलीवेंट क्वेश्चन है, उस समय का है। तो अभी के जो गृह मंत्री हैं, याद रखिएगा अमित शाह हैं, ये सवाल शायद आपसे पूछ लिया जाए, अमित शाह इज द राइट आंसर। अभी हाल में ही 1999 में, देख लो, करंट अफेयर्स है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। विमल्डन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो विमल्डन चैंपियनशिप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भी देखिए, ये तो ये आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार जो है प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है ऐसे सवाल में। विमल्डन जो है टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 देखिए क्या है सवाल आपका। चलिए आगे, एक मिनट, ये देख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? तो देखिए ये सारे जवाब जो है इनकरेक्ट है, ये करंट अफेयर्स का सवाल था, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डंप कर देंगे, कूड़ेदान में डालकर आगे बढ़ जाएंगे। एक बस, एक कार और एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा में गति करते हैं, ब्रेक का प्रयोग के द्वारा समान में लाया जाता है। तो एक सेकेंड, मैं आगे बढ़ गया, मैं पीछे जाऊँगा, मैंने आप लोगों को कहाँ तक बताया था? वेट, ये रहा। चलिए 40 क्वेश्चन। APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार देकर APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 40 का, पद्मश्री, पद्मभूषण, अर्जुन या भारत रत्न। तो देखिए पद्मभूषण से उनको जो है उस समय के लिए सम्मानित किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पद्मभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान आपको राजस्थान में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या का नाम क्या है? तो बाघ है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने पहले भी 96 और 93 वाले क्वेश्चन में बता रखा है। भारतीय राष्ट्रीय पशु की घोषणा कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे इतना आसान से सवाल। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, वर्गीज कुरियन के द्वारा, याद रखिएगा भारतीय श्वेत क्रांति के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, पिता के नाम से जाने जाते हैं, फादर के नाम से जाने जाते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, चेरापूंजी। तो देखिए ये सवाल का आंसर उस समय के लिए चेरापूंजी सही था, बट एज ऑफ नाउ के लिए जो है ये सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेघालय में आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मेघालय में। और इसका नाम क्या है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में? तो इसका नाम है मानेश्राम। क्या नाम है? मानेश्राम, याद रखिएगा, मनीश्राम मैं लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है, याद रख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचिन प्रसिद्ध है, कोचिन जो है जहाज निर्माण करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि पानी वाले जहाज के लिए कोचिन में ये काम, पहले भी आप याद रखना केरला जो है अलग अलग देशों से व्यापार करता था उस समय के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो देखिए ये रसिया इसका सही जवाब है, लेकिन अभी देखो क्या हुआ है ना, काला सागर के पास यूक्रेन भी बसा है, और यूक्रेन और रसिया के बीच में वार हो रही है, तो यूक्रेन के जो अनाज हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में नहीं जा पा रहे हैं, तो रूस और रसिया, एक्चुअली रूस और रसिया तो एक ही चीज़ है ना, रूस और यूक्रेन के बीच, और टर्की ने यहाँ पे जो है
दोनों को बीच एक ही टेबल पे बैठाया और कहा कि भैया भूखे मर जाएंगे लोग। तो फिर यही काला सागर जो है, ब्लैक सी, बहुत फेमस हुआ था। वहाँ से जो है सबके बीच में एक ट्रीटी हुई कि यहाँ से जो भी फसल जाने के या फिर या गेहूं या चावल जाएगा उस पर किसी भी तरह का कोई भी बमबारी नहीं किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में या राजस्थान में? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, 4 नंबर, यानी कि राजस्थान में। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग और मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? फिर से वही जवाब, ये इररेलीवेंट क्वेश्चन है। भारत में आलू कौन लेकर आए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट VVI सवाल है। तो देखिए पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आलू को लाया गया था। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 54। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो एक बार नीचे मैं फिर से लिख देता हूँ साफ साफ, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देखी, प्यार दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक साझा करें, शेयर करें, उन तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।